नमस्कार दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज रात करीब 9 बजे किल्यावली रोड पर बाईपास के निकट चलती हुई कार में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि चंद मिनटों में ही पूरी कार जलकर राख हो गई। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने कार की आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बहुत तेज थी। इसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पाया। इस आगजनी में कार पूरी तरह स्वाह हो गई, जबकि चालक ने चलती हुई कार से उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी देते हुए किल्यावली निवासी कुलदीप सिंह पुत्र रामलाल ने बताया कि वह अपने घर कार पर जा रहा था कि एकदम गाड़ी में धमाका हुआ और आग लग गई। वहीं आग बुझाने में सहयोग करने वाले आशीष जग्गा ने बताया कि वह अपने प्लांट से अपने घर पर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में जलती हुई कार दिखी। उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी। इसके बाद उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आकर आग पर काबू पाया। कार आ रहे थे, असी देखा जी गड्डी रास्ते चल रही है, पर असी आपकी गड्डी रोक के कोशिश की कि भजिए फटाफट कि कोई बंदा वेचना हो गड्डी में। पर अभी कोशिश जाके वेखिया जी गड्डी में कोई बंदा नहीं सी। पर असी बहुत मिट्टी मुट्टी पाई, पानी पूनी पाया, पर अग बहुत ज़्यादा तेज सी कि साढ़े को अग न कंट्रोल नहीं कर सके। पर अभी बाकी फिर तुम्हें फोन किया कि सर तुम आओ, साढ़े को नंबर नहीं सी फायर ब्रिगेड वालों का, पर इन्होंने बेचारे ने भी आके बहुत हिम्मत मारी जी, जिन्ना कंट्रोल कर सके कंट्रोल हो गया। परमात्मा की कृपा जाने में नुकसान तो बच गए जी, ये बड़ी मालक की मौत है। बस मैं 40 स्पीड ना चुंगी तो आया सी, सीधा घर जा रहा सी, एकदम ब्लास्ट हो गया सर। किथे की आग लगी? आगे लगी या अगले पासे कंडक्टर साइड दे? उधर आ मैंने तो उधर धमाका नजर आया, बस मैं गड्डी बंद नहीं की गई, उस तो पहला बाहर आ गया। ठीक है, आस पास के लोगों ने मदद की? हाँ, काफी लोग आ गए सी, नाल दी नाल ही आ गए। कितना का नुकसान हो गया सर? नुकसान देख लो थोड़े सामने, 80% गड्डी गई, 80-90% गई गड्डी का।